हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम था चाप का अवकलज एवं अधिक समीकरण। हमने अभी तक के कुछ पार्टों में उनका अध्ययन किया, कुछ फॉर्मूलों का और कुछ एग्जाम्पलों का। हम आज अध्ययन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है। आज लेकर चलता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो देखिए ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोला गया एग्जाम्पल नंबर 3 में? कोई साइक्लाइड, यानी ये क्वेश्चन है वो कार्तीय रूप में दिया गया है, ठीक है, और उस पर कोई फलन दे दिया गया और बोला गया है कि बिंदु टी पर अधोलंब अधोलंब और अर्धसपर्शी भी ज्ञात करना, साथ में सॉरी अर्धसपर्शी अधोलंब और अभिलंब के अभिलंब और अभिलंब व स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। जो हमने चार फॉर्मूले देखे थे वही मैंने कहा आपको फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला था कि लैंग्वेज अगर आपने एक अच्छी अच्छी तरह से अगर समझ ली तो क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए चलते हैं। क्या बोला गया था कि सबसे पहले अर्धसपर्शी में एक पास एक साइड अर्धसपर्शी का फार्मूला क्या होता है? कार्तीय रूप में अर्धसपर्शी का फार्मूला होता है y अपॉन dy dx, और अधोलंब 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 का क्या होता है? y इंटू dy dx, ओके। और अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की लंबाई, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है y इंटू वर्गमूल 1 प्लस डी वाई डी एक्स के अपॉन डी वाई डी एक्स, ओके। इसी प्रकार सप्रस रेखा का की लंबाई का समीकरण क्या होता है? सप्रस रेखा की लंबाई का एक होता है वाई इंटू वन प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए गलती से मैंने अभिलंब का एक अभिलंब का फार्मूला इधर लिख दिया और सप्रश रेखा का फार्मूला इधर रख दिया। अभिलंब का फार्मूला ये होगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अभिलंब का इक्वेशन ये और सप्रश रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा, ओके। तो चलिए चलते हैं। मैंने कहा कि अगर आपने अगर फॉर्मूलों को अच्छी तरह से पढ़ लिया और याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इन फॉर्मूलों पर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको देखो एक बात ध्यान से दिखाई दे रही होगी कि सभी के अंदर डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स, यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है जो फॉर्मूले में चाहिए उनको लेकर आना है पहले, फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकालने का कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू क्या दी गई है देखना, एक्स इजिकल टू ए टी प्लस साइन टी, ओके, ये दी गई है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से देखो ये टी के सापेक्ष हम इसका आकलन कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या डी वाई डी एक्स। तो इसी हम डायरेक्ट तो डी वाई डी एक्स नहीं लेकर आ सकते। क्यों नहीं लेकर आ सकते? क्योंकि हमारे पास वो हम टी है यहाँ पर फलन के रूप में, टी टी के सापेक्ष ही इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार डी एक्स डी टी निकाल लेता हूँ, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखना, टी का वन और साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी, यानी आ जाएगा यहाँ से ए ए वन प्लस कोस टी, ओके। तो देखिए यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया। यदि आपको पता है कि मैं डी वाई डी टी भी निकाल सक
हूँ यहाँ से, देखिए डी वाई डी टी, क्योंकि वाई का भी मान दिया गया है हमारे पास, यहाँ वाई का मान क्या दिया गया है देखिए, ए वन माइनस कोस टी, ये किसका मान दिया गया है वाई का, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं और टी के सापेक्ष, तो कर कीजिए ए वन का 0 और कोस टी का माइनस साइन टी, और माइनस पहली है तो क्या आ जाएगा ए साइन टी। ओके यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी टी, मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, हमारा मेन गोल क्या है, गोल है हमारा कैसे भी करके डी वाई डी एक्स का मान लेकर आना है। तो देखिए यहाँ से देखो डी वाई डी एक्स दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा ये, मान लो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से लिख दो समीकरण नंबर 2 में ए का भाग देने पर, ठीक है भाग देने पर। ओके तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये समीकरण क्या है डी वाई डी एक्स, इसके अंदर मैं इसके अंदर इस समीकरण का भाग दूंगा तो डी इससे ये कैंसिल, और यहाँ बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ आएगा ए साइन टी अपॉन ए वन प्लस कोस टी, ए से ए कैंसिल, साइन टी है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 sin टी बाई 2 cos t/2। ओके और 1 प्लस cos t की जगह क्या आ जाएगा 2। तो देखिए अब यहाँ से देखिए 1 प्लस cos t की जगह क्या आ जाएगा 2 cos² t/2। यहाँ से देखिए 1² से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन टी बाई 2 अपॉन cos t/2, यानी क्या आ जाएगा साइन टी बाई 2 अपॉन cos t/2 आ जाएगा 10 t/2। ये किसका माना गया, ये माना गया डी वाई डी एक्स का। और अब तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य पूर्ण हुआ कि डी वाई डी एक्स का मान निकालना था, अब तो बस ओनली फॉर फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले अर्धसप्रश्न देखते हैं, अर्धसप्रश्न का फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, चलिए लेते हैं अर्धसप्रश्न, अर्धसप्रश्न, अर्धसप्रश्न क्या कहता है, अर्धसप्रश्न कहता है वाई अपॉन डी वाई डी एक्स। तो चलिए वाई का मान क्या है, वाई का मान यहाँ से देखिए ये रहा वाई का मान, क्वेश्चन में दिया है ए वन माइनस कोस टी, डी वाई डी एक्स का मान अभी निकाला है 10 t/2, 10 t/2 ठीक है अभी निकाला है, तो 1 माइनस कोस टी की जगह ए इंटू 1 माइनस कोस टी की जगह आ जाएगा 2 sin² t/2 अपॉन 10 t/2। 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन टी बाई 2 अपॉन cos t/2 लिखूँगा, क्योंकि 10 होता है साइन अपॉन कोस, साइन टी बाई 2 अपॉन cos t/2 लिखूँगा, कोस ऊपर चला जाएगा, लिख सकता हूँ ना cos t/2 अपॉन 1, साइन टी से साइन टी कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा 2a sin, एक बार इधर रख लियो, a2 sin t/2 cos t/2। ओके तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बन गया हमारे पास, और मैं आपको पता है कि साइन 2x = क्या होता है, साइन 2x = होता है 2 sin a बराबर होता है 2 sin a cos a, ठीक है। तो इसी प्रकार ये देखिए 2 sin t/2 cos t/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन टू ए लिख सकता हूँ ना देखिए, और 2 तो ये साइन 2, देखिए यहाँ से साइन 2 इंटू एक एक ही जगह यहाँ पर क्या है, जो कौन का मान क्या है t/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा हमारा a sin t। ओके ये मान आ गया, इस ये मान आ गया, ये किसका मान आ गया, अर्धसप्रश्न का मान आ गया। अब हम चलते हैं अधोलंब, ठीक है कार्तीय रूप में जो अधोलंब ज्ञात करना है उसका फार्मूला हमारे पास है, चलते पुट करते हैं उसके अंदर। तो देखिए अधोलंब क्या होता है, y इंटू डी वाई डी एक्स होता है, तो y का मान क्या था हमारे पास,
ये रहा वाई का मान, ए वन माइनस कोस टी, डी वाई डी एक्स का मान टेन टी बाई टू, और वन माइनस कोस टी की जगह आपको पता है टू साइन स्क्वेयर टी बाई टू, ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू टू साइन स्क्वेयर टी बाई टू टेन टी बाई टू। ओके, इस प्रकार देखो अभी तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है, उसका मान आ जाएगा। आप इसे आगे भी हल करना चाहते हैं तो आगे हल कर लेना, क्योंकि टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, तो लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको तो बस ये नहीं देखना है कि आपका आंसर कहाँ तक आया। आपको एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है, आपको करने का तरीका है वो सही है या नहीं है। तो चलिए अब ले चलता हूँ मैं, स्पर्श रेखा की लंबाई का समीकरण निकालते हैं। तो चलिए स्पर्श रेखा की लंबाई का समीकरण क्या होता है, जैसे कि आपको पता है स्पर्श रेखा की लंबाई का समीकरण होता है y इंटू वन प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। पुट कर दो मान, y की मान क्या था, a इंटू वन माइनस कोस टी वर्गमूल वन प्लस डी वाई डी एक्स का मान टेन टी वाई टू, यानी उसका स्क्वेयर भी है तो टेन स्क्वेयर टी वाई टू अपॉन डी वाई डी एक्स का मान टेन टी वाई टू। ओके, अब इसे हल कर दो, क्या होगा ध्यान से देखना। देखिए वन माइनस कोस टी यानी टू साइन स्क्वेयर टी बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वेयर टी बाई टू सेक टी बाई टू, और अपॉन में क्या है टेन टी बाई टू। ओके, तो देखिए टेन की जगह मैं लिखूँगा, टेन की जगह मैं लिखूँगा, देखिए इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन टी बाई टू, अपॉन लिखूँगा कोस टी बाई टू, और कोस टी बाई टू ऊपर जाएगा, तो देखिए इसकी जगह मैं कोस टी बाई टू पुट करूँगा, कोस टी बाई ये ऊपर चला जाएगा, तो कोस टी बाई टू सेक टी बाई टू कैंसिल, और एक इससे कैंसिल, ठीक है। तो क्या बनेगा ध्यान से देखना, यहाँ था हमारे पास टू ए और यहाँ बचेगा साइन टी बाई टू, क्योंकि टेन को मैंने लिखा साइन टी बाई टू और को अपॉन कोस टी बाई टू, ये ऊपर जाएगा तो सेक टी बाई टू इंटू कोस टी बाई टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा साइन टी बाई टू, ये एक स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टू ए साइन टी बाई टू। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब मैं ले सकता हूँ इसका लास्ट, और लास्ट पोर्शन क्या था, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। चलिए चलते हैं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने। तो ये रही हमारी अभिलंब की जो समीकरण होता है, अभिलंब का लंबाई निकालने का समीकरण। तो देखिए ये क्या था फार्मूला, y इंटू वन प्लस डी वाई डी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। तो चलती है हमारे पास सब सब वैल्यू है, पुट कर देते हैं, क्या होगा y की वैल्यू क्या थी, ए वन माइनस कोस टी वर्गमूल वन प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू टेन टी बाई टू, यानी टेन इसका होल स्क्वेयर भी करना है, टेन स्क्वेयर टी बाई टू, ठीक है। इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, वन माइनस कोस टी टू साइन टू क्या होगा, यहाँ से देखिए टू ए इसकी जगह आएगा टू ए साइन स्क्वेयर टी बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वेयर टी बाई टू क्या आ जाएगा सेक, सेक स्क्वेयर आएगा, स्क्वेयर से वर्गमूल कट जाएगा, यानी सेक टी बाई टू। ओके, तब इसका मान आ गया ये, ठीक है। इस प्रकार इसे हल करना है आंसर, यानी हमारे पास अगर फॉर्मूलों का अच्छी तरह अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लैंग्वेज अच्छी तरह समझना है, उसके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, हम क्वेश्चन में कहीं भी नहीं अटकेंगे। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को करना है बिना जल्दबाजी के। अगर आपको इस प्रकार हमारी ये किस एग्जाम्पल समझाने का जो मेथड है वो समझ में आ रहा है और हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।